हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दुर्गेश पाठक। दोस्तों, पहले तो आपको नवरात्रि और दशहरे की बधाइयां मेरी तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं, आज नौ दुर्गे का लास्ट दिन है और कल दशहरा है। तो जैसा कि ये दुर्गा माता के दिन होते हैं और हम जैसा कि देखते हैं कि दुर्गा माता के अलग अलग अवतार हैं और उनके अलग अलग कैरेक्टर हैं, तो मुझे लगा कि मैं आपको कोई ऐसी वीडियो बना के दूं जिसमें मैं अलग अलग फीमेल कैरेक्टर्स डिफाइन कर सकूं जो कि हमारी मटेरिया मेडिका के अंदर होते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो मेरे सभी स्टूडेंट्स और होम्योपैथिक जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए है। फिर भी मेरे जो नॉन मेडिकल व्यूअर्स हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। वो इसलिए कि उनको इससे ये मालूम पड़ेगा कि जब वो होम्योपैथी लेते हैं तो क्या क्या चीज पेशेंट की इम्पोर्टेंट होती है और एक होम्योपैथ मरीज में क्या क्या देखता है। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीमेल्स इन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। बीच बीच में मैं इन मेडिसिन का कोरिलेशन दुर्गा माता के कुछ अवतारों से भी करूंगा, तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरे साथ बने रहिए। होम्योपैथी में तीन या चार ऐसी प्रोमिनेंट फीमेल रेमेडीज हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। जब हम किसी रेमेडी को डिस्क्राइब करते हैं एक सिचुएशन के हिसाब से, तो हम इसको सिचुएशनल मटेरिया मेडिका कहते हैं, जो हमारे यहां डॉक्टर राजन शंकरन का कंसेप्ट है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नेट्रम्यूर की। नेट्रम्यूर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये पोटेंटाइज सॉल्ट होता है। नेट्रम्यूर की लेडी कैसी होती है, नेट्रम्यूर का क्या सिचुएशन होता है? नेट्रम्यूर की लेडी एक ऐसी लेडी है जिसने अपनी कम उम्र में दुनिया के अच्छे और बुरे सारे एक्सपीरियंसेस देख लिए हैं, स्पेशली बुरे। मतलब एक ऐसी फीमेल जिसमें जिसको कम उम्र में किसी से धोखा मिल चुका है, किसी चीज का लॉस हो चुका है, दोस्ती यारी में उसको किसी ने धोखेबाजी की है, या उसने जितने भी डिसीजन लिए हैं लाइफ में वो गलत लिए हैं। तो इस प्रकार की लेडी कम उम्र में एक मैच्योर लेडी हो जाती है। इसके अलावा नेट्रम्यूर ज्यादातर आप देखेंगे अकेला रहना पसंद करता है, क्योंकि उसका एक पास्ट होता है जिसमें वो दूसरों से सताई हुई होती है या दूसरों से धोखा खाया हुआ होता है, इसलिए वो अकेला रहना पसंद करती है। इसके अलावा नेट्रम्यूर एक आर्टिस्टिक फीमेल है, मतलब उसको कहीं तो म्यूजिक पसंद है, लिखना पढ़ना पसंद है, कोई आर्ट पसंद है, और इन सभी चीजों के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए, अकेलापन। तो इसलिए नेट्रम्यूर कंपनी से दूर रहती है और उसको अकेलापन अच्छा लगता है। अगर मैं इसको दुर्गा के किसी अवतार से कंपेयर करूं तो सरस्वती। सरस्वती जैसा कि आप देखते हैं हाथ में उनके वीणा होती है, सितार जिसको कहते हैं, हाथ में एक किताब होती है, और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो हिंदुइज्म में जो संस्कृत लैंग्वेज का जो इन्वेंट किया है वो माँ सरस्वती ने ही किया है। तो एक आर्टिस्टिक भी हो गई वो, म्यूजिशियन भी हो गई वो। इसके अलावा कुछ कैरेक्टर नेट्रम्यूर के संतोषी माता से भी मिलते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने भी संतोषी माता के बारे में सुना है, वो क्या सुना है कि वीक में उनका एक दिन होता है, वो होता है फ्राइडे। बहुत ज्यादा उनकी डिमांड्स नहीं होती संतोषी माता की, लेकिन जो डिमांड्स होती हैं वो बहुत ऑब्स्टिनेट होती है। जैसे फ्राइडे के दिन बिल्कुल खट्टा नहीं खाना चाहिए, जो उनको मानता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आपसे भूल चूक हो गई तो फिर उनका बहुत ज्यादा जबरदस्त गुस्सा देखने को मिलता है। नेट्रम्यूर भी हमारी मटेरिया मेडिका में एक ऐसी ही फीमेल है जो वैसे तो शांत रहती है, अकेली रहती है, आर्टिस्टिक होती है, म्यूजिशियन होती है, लेकिन जब उसका गुस्सा आता है तो फिर बहुत ज्यादा उफान पे आता है और बहुत ज्यादा गुस्सा करती है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नेट्रम्यूर की जो हम मटेरिया मेडिका में जो नेट्रम्यूर की जो लेडी है वो दुर्गा के दो अवतारों से मिलती है। अब हम बात करते हैं सीपिया की। दोस्तों, होम्योपैथी में जो सीपिया लेडी है उसका जन्म सिर्फ एक गोल के लिए हुआ है। वो एजुकेटेड तो होती ही है, साथ साथ में वो उसका जो पूरी लाइफ का जो मेन इशू है वो है प्रोफेशन। अपने जिस भी प्रोफेशन में वो होती है वो अपने प्रोफेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, चाहे उस इंपॉर्टेंस के वजह से चाहे उसका हस्बैंड छूट जाए, चाहे उसके बच्चे छूट जाए या परिवार छूट जाए। मतलब सीपिया एक ऐसी लेडी है होम्योपैथी में जो अपने प्रोफेशन के लिए अपने परिवार को भी छोड़ देती है, और अगर उसके प्रोफेशन के बीच में कोई आता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। दैट इज वेरी मच रिलेटेड विद दी काली माता चामुंडाए बोलते हैं चंडमुंड, मतलब उनका जो जन्म हुआ था वो चंडमुंड को मारने के लिए ही हुआ था, राक्षस को मारने के लिए ही हुआ था। और जब एक बार उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया राक्षसों को, तो उन्होंने अपने प्रोफेशन में, अपने गोल में अपने पति को भी नहीं देखा और मारती जा रही थी। तो आप सभी जानते हैं शंकर भगवान को, उनको शांत करने के लिए अपने आप को उन्होंने लेटा दिया उसके सामने और उस पर भी पैर रख दिया। तो सीपिया एक ऐसी लेडी है जो अपने प्रोफेशन के सामने अपने बच्चों और अपने परिवार को नहीं देखती। उसका प्राइम एम प्रोफेशन होता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो वो अपने को बहुत ज्यादा दुर्भाग्यशाली समझती है, वो कंपनी से अलग हो जाती है, दवाइयां लेना बंद कर देती है, लीन एंड थिन हो जाती है, खान भूख नहीं लगती, मतलब वो फिर वो गुस्सा अपने ऊपर ही निकालती है। ठीक है, तो ये हो गया सीपिया। पल्सेटिला होम्योपैथी में एक ऐसी लेडी है जिसके अंदर एक सेंस होता है कि उसको कभी पूरी तरीके से प्यार नहीं मिला, जिसको पाने के लिए वो प्यार भी देती है और प्यार ही लेती है। इट मींस उसके दिमाग में ये रहता है कि अगर मैं सबसे अच्छी तरीके से बोलूंगी, सबकी मनोकामनाओं को पूरा करूंगी, जो सब चाहते हैं उनको मैं दे दूंगी, तो ये मुझे प्यार करेंगे, मेरे पास रहेंगे, मुझे पूजेंगे। इट मींस मैंने पल्सेटिला को कोरिलेट किया है अन्नपूर्णा माता से। अन्नपूर्णा माता के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर हम उनके लिए कुछ करते हैं तो वो हमारे लिए ऐसा करेंगे। हे माँ, अगर मैं 7 दिन आपके लिए व्रत रखूं, अगर मैं आपको ये चढ़ाऊं तो आप मेरी ये मनोकामना पूरी करना। अन्नपूर्णा माता का जो जन्म हुआ है वो मनोकामनाएं पूरी करने के लिए हुआ है। तो पल्सेटिला एक ऐसी लेडी है जो जिसको अगर आप प्यार देंगे तो आपको उतना ही प्यार मिलेगा। वो प्यार इसलिए नहीं मिलेगा कि आप प्यार दे रहे हो, वो प्यार इसलिए मिलेगा क्योंकि पल्सेटिला लेडी खुद प्यार चाहती है। तो अगर वो रो रही है या अगर वो गुस्सा कर रही है या कोई भी उसकी बॉडी का कोई भी गेस्चर है, उसका टोटल एम होता है अपने ऊपर सभी का ध्यान केंद्रित करना और सिंपैथी गेन करना। कई बार ये कंफ्यूजन होता है, जैसे कोई पल्सेटिला लेडी है गुस्सा कर रही है तो अपने को क्या लगता है यार पल्सेटिला लेडी तो बहुत माइल्ड जेंटल होती है, वो गुस्सा कैसे कर सकती। लेकिन अगर उस गुस्से के पीछे भी प्यार है तो वो पल्सेटिला ही है। जैसे एक माँ जब अपने बच्चे को डांटती है या मारती है किसी गलत काम के लिए तो वो पल्स का ही करेक्टर है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे है तो प्यार ही ना, कोई नफरत थोड़े है बच्चे के साथ में। ठीक है, वो इसलिए कर रही है कि बच्चे को कोई कुछ हो ना जाए, मेरे बच्चा ठीक रहे। तो मैंने इसको कोरिलेट किया अन्नपूर्णा माता से। पल्स हमेशा कोशिश करती है कि उसके परिवार में जो भी बच्चे हैं, हस्बैंड है, उनकी मनोकामनाएं पूरी करती रहती है। दैट्स व्हाई आई एम कोरिलेटिंग विद अन्नपूर्णा माता। ठीक है, उसके लिए परिवार सब कुछ है। पल्सेटिला के लिए, सीपिया के लिए परिवार के कंपैरिजन में प्रोफेशन सब कुछ है। ठीक है, नेट्रम्यूर के लिए उसका पास्ट सब कुछ है। वो पास्ट को अपने कभी भूलती नहीं है, हमेशा मन में लेके रखती है और उससे एक्सपीरियंसेस कर लेती है और
फिर उस तरीके से समाज में रिएक्ट करती है। तो सीपिया हो गया, पल्सेटिला हो गया, नेट्रम्यूर हो गया। अगर हम बात करें कैल्केरिया कार्प की, शीतला माता, शीतला माता मतलब शांत, कूल एंड काम। कैल्केरिया कार्प जैसा कि आप जानते हैं एक बड़ा ही ऐसा पेशेंट होता है जिसको लाइफ मन अंदर बड़ी इनसिक्योरिटी फील होती है, इसीलिए वो हमेशा सिक्योर रहना पसंद करता है। जो चीजें उसको लाइफ में मिल जाती हैं उनको बस वो घेर के बैठ जाता है, और उसका टोटल एम होता है लाइफ का कि जो मैंने कमा लिया है उसका लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दे आर वेरी कूल एंड काम, मतलब जो नौकरी लग गई उसमें खुश है, भगवान बस हमारा पेट भर दे, हमारी रोजी रोटी चल जाए, मैं तो बड़ा खुश हूं। इस तरीके के लोग कैल्केरिया कार्प के लोग होते हैं, वो ज्यादा रिस्की नहीं होते, वो जिनका मन शांत रहता है। दैट्स व्हाई आई एम कोरिलेटिंग विद शीतला माता। शीतला माता लाइक उनका कोई ऐसा डिमांडिंग अवतार नहीं है ये दुर्गा का, जैसे कि कोई एंगर है कि आप ऐसा करिए तभी ऐसा होगा, जैसे काली बहुत डिमांडिंग होती है, तो शीतला ऐसी कोई डिमांडिंग नहीं होती, इसलिए मैंने इसको कोरिलेट किया है कैल्केरिया कार्प। जहां तक ग्रेफाइटिस का सवाल है, ग्रेफाइटिस दोस्तों मैं आपको बताऊं कैल्केरिया कार्प से जस्ट उल्टी है। कैल्केरिया कार्प का दिमाग बहुत शार्प होता है और फिजिकली वो डल और आलसी होती है। इसके कंपैरिजन में जो ग्रेफाइटिस होती है वो इंटेलेक्चुअलिटी में कम होती है लेकिन फिजिकली बड़ी मजबूत होती है, फिजिकली बड़ा काम करती है, मतलब इतना काम करेगी घर का सारा काम कर लेगी वो, फिजिकली शी इज वेरी पावरफुल बट मेंटली डल। तो इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं दुर्गा अंबिका से, अंबिका जिसके बहुत सारे हाथ हैं, ठीक है, शेर पे बैठी हुई है और हर तरीके का काम कर सकती है, उसके पास त्रिशूल भी है, उसके पास तलवार भी है, हर तरीके का काम कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस अवतार में उनकी दिमाग अच्छा नहीं है या दिमाग कमजोर है, पर जैसा कि आप जानते हैं एग्जैक्टली आप कोरिलेट नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर मैंने इनको कोरिलेट किया है। तो दोस्तों नौ दुर्गे पर मैंने आपको ये जो चार या पांच फीमेल रेमेडीज जो डिस्क्राइब की हैं, आशा करता हूं आपको मेरी ये रेमेडीज का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पसंद आया होगा। अगर आप इसी पैटर्न पर डिटेल में कोई मेडिसिन जानना चाहते हैं तो मुझे बॉक्स में लिखें, मैसेज करें, तो मैं इनको और डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा, सिचुएशनल एमएन जो इन मेडिसिन की है। आशा करता हूं आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, गुड बाय।